कैसे मिजाज आपके हैं बतलाइए। हम तो हैं खैरियत से, अपनी सुनाइए। कितने लोग पढ़ाई छोड़ना चाह रहे हो? कितने लोगों ने जीवन छोड़ने का मन बना लिया है? पार्लियामेंट से बाहर आ जाओ तो मैं बोलना शुरू करूं। ऐसा लग रहा है इंडियन पार्लियामेंट यही है। हाँ, क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में जाने की प्रैक्टिस? तो 11 अगस्त के दिन 1947 की बात करें तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने की तैयारी कर रहा था, और 1942 की बात करें तो उस समय अगस्त क्रांति, अगस्त रिवॉल्यूशन नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया गया था। उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और 11 अगस्त की बात करें तो पार्लियामेंट में 3 बिल प्रोड्यूस किए ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। उसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर ज्ञानियों की भीड़ आ गई। इतने सारे ज्ञानी इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं, और पैनिक में कौन है पता है? वो जो उन ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा। तो पैनिक की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि आज मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, ठीक है? आप जो ऑफलाइन में बैठे हैं वो लोग भी, और जो ऑनलाइन मुझे देख सुन रहे हैं वो लोग भी। तो जो ऑफलाइन में लोग बैठे हुए हैं, आपके क्वेश्चंस आपने भूमिका तक पहुंचा दिए होंगे। मैं 15-20 मिनट बोल लूँ, फिर भूमिका से मैं क्वेश्चन लूंगा, उसके आंसर दूंगा। जो ऑनलाइन में लोग लाइव बैठे हुए हैं, वो एक काम ये करना कि कमेंट्स में क्वेश्चन लिखते रहना, कोई भी डाउट हो तो एक दो रोज में मैं ज़रूर उसके आंसर दूंगा। मैं शाम 5 बजे भी लाइव आने वाला हूं, वहां भी आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, हम बात करेंगे। तो एक साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम जुड़ रहे हैं, और अब ये ज़रूरी हो गया है। उसका रीज़न है कि कन्फ्यूज़न खूब सारा है, जिसको क्लियर करने के लिए समय और जगह दोनों नहीं है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन में इंडिपेंडेंस डे मोड पे हैं, है ना? अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ सीरीज आ रही है, जिसमें कि आज सुबह जो है वो भगत सिंह जो ट्रायल था वो ऑनलाइन है। लोगों को जानना चाहिए कि भगत सिंह ट्रायल क्या था, क्या केस था, क्या बातें हो रही थी, और उसका रिजल्ट क्या आया, कौन सा मामला था। तो हम उस मोड पे चल रहे थे, और बीच में असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट के समय ही दूसरे काइंड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो लॉ बॉम्ब ब्लास्ट, लॉ बॉम्बिंग कहेंगे इसे। पहली बात तो ये कि इन बातों को ठीक से समझिए। कुछ लोग अभी आईपीसी जो है 2021 में हमने बुक लॉन्च की थी इंग्लिश में, और वो अमेजोन पे नंबर 1 रैंकिंग पे चल रही थी। सीआरपीसी हमने अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया इंग्लिश में, और देहरादून में लॉ कॉलेज में हमने लॉन्च किया था मंथ ऑफ मार्च में। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने हुए हैं, जुलाई अगस्त ही आया है, तो 4 महीने में ये अगेन बहुत बढ़िया कमाल कर रहा था। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने अभी ही किताब खरीदी है। तो लोग ऐसा इसीलिए बोल देते हैं कि आपकी किताब खरीदिए तो आपकी जिम्मेदारी है ऐसा, अदरवाइज किताबें तो मार्केट में वैसे ही चल रही हैं, हजारों किताबें रोज ही बिक रही हैं। तो जिन लोगों ने किताबें खरीद रखी हैं उनको मैं पहले समझा दूं कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में कोई चेंजेस नहीं हुए। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं, है ना? ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों दोनों सुनो, क्योंकि लोग कह रहे हैं आईपीसी बदल गई। कहां बदल गई? आईपीसी नहीं बदली। इंडियन पिनल कोड 1860 में अभी भी 511 धाराएं ही हैं। अभी भी रिसेंटली कितनी धाराएं हैं? 511। अभी जिनके एलएलबी के एग्जाम होने वाले हैं उनमें इंडियन पिनल कोड 1860 से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जो अभी जेलो का एग्जाम देने वाले हो राजस्थान में, या यूपीपीसीएसजे के जिनके इंटरव्यू हैं, उनके लिए आईपीसी 1860 ही काम की है। तो पहली बात तो ये जो परेशान है लोग कि आईपीसी बदल गई, है ना, सीआरपीसी बदल गई, या कई लोग ऐसे जानकारी दे रहे हैं अब मर्डर जो है वो सेक्शन 99 में होगा। नहीं, मर्डर तो किसी के घर में, प्लेस में, जगह पर ही होगा, और पनिशमेंट 302 में ही होगा। कोई मर्डर का सेक्शन नहीं बदला है। बार बार समझना ध्यान से, है ना, मैं बहुत जिम्मेदारी से बातें समझा रहा हूं, और ये बातें सोशल मीडिया पर फैले ज्ञान के एकदम उलट हैं जो मैं कह रहा हूं। लोग ये कह रहे हैं पुरानी किताब को फेंक दें क्या? नहीं, किताबें कभी नहीं फेंकी जाती, है ना। अभी भी हम कुछ समय पहले 1898 की सीआरपीसी ढूंढ रहे थे, मिली नहीं। एचएस गौड साहब की आईपीसी जो 1860 उन्होंने लिखी थी, हरि सिंह गौड़ साहब की, अभी मार्केट में मिल नहीं रही है, क्योंकि वो आईपीसी कौन सी वाली है? पुरानी वाली। आईपीसी में कई अमेंडमेंट हो गए।
तो पहली बात तो आपको जो समझाना चाह रहा हूं ये कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं बदली है, कब बदलेगी हमको ये नहीं पता। तो ये क्या आया है हमारे सामने में, तो एक प्रोसेस होता है समझना, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ एनेक्टमेंट। जो लोग क्लास में नए हैं वो भी सुनो, पुराने वाले तुम तो सुने हो रे, क्या कहते हैं इसे, प्रोसेस ऑफ एनेक्टमेंट, हिंदी में से कहते हैं अधिनियमितीकरण। क्या कहते हैं इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होता है। क्या तैयार होता है, ड्राफ्ट को हिंदी में आप प्रारूप मसौदा कई सारे शब्दों में उपयोग में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले प्रिपेयर होगा एक ड्राफ्ट, क्या प्रिपेयर होगा, ड्राफ्ट प्रिपेयर होने के बाद ये पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, जिसे कहा जाता है बिल। क्या कहा जाता है इसे हिंदी में, आप कहते हैं विधेयक, एक बिल रखा जाएगा। ये बिल जब पार्लियामेंट से पास होगा, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, अपर हाउस दैट इज राज्यसभा, और तीसरा क्या होता है इसमें, एक इसमें होंगे प्रेसिडेंट। मींस जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला उस दिन हम कहेंगे कि ये एक्ट बना, लॉ बना, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एनेक्टमेंट। क्या कहलाता है, इसे कहते हैं अधिनियमितीकरण। और जब प्रेसिडेंट की साइन हो जाती है तब कानून लागू हो जाता है। गलत जानकारी है आपके पास, प्रेसिडेंट की साइन हो जाने के बाद भी कानून लागू नहीं होता। फिर कब लागू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करे। क्या करे, नोटिफाई, नोटिफिकेशन सरकार लेकर आएगी, इसे कहेंगे अधिसूचना। क्या कहते हैं, अधिसूचना। जब सरकार अधिसूचना जारी करती है उसमें एक तारीख लिखी होती है कि फला कानून फला तारीख से लागू होगा, उस दिन से जाकर के ये लॉ एनफोर्स होगा। तो स्टूडेंट के काम का कब होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में एक डेट आएगी, उस डेट में लिखा होगा फला तारीख से ये एनफोर्स होगा, उस दिन से ये स्टूडेंट के काम का होगा। लॉयर्स के काम का कब होगा, वो डेट जो नोटिफिकेशन में लिखा होगा। जजेस के काम का कब होगा, वो डेट जब नोटिफिकेशन में लिखा होगा। वो डेट कौन सी होगी, नो वन नोज, किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस दिन पार्लियामेंट में 11th ऑफ अगस्त को ये बिल आए उस दिन पार्लियामेंट इनडेफिनिट पीरियड के लिए एडजर्न कर दिया गया। आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, इनडेफिनिट पीरियड मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। तो पार्लियामेंट का अगला सेशन कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन मान के चलते हैं विंटर सेशन शायद हो, शायद का मतलब ये पिछले साल हुआ नहीं था विंटर सेशन, आपको ये भी बता दूं मैं। तो विंटर सेशन अगर हुआ तो क्या विंटर सेशन में ये लॉ बन जाएगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जब अमित शाह जी ने ये लॉ प्रपोज किया, बिल प्रपोज किया, तो आपको जानकारी होगी अगर आपने वो स्पीच सुनी है, तो उन्होंने उसमें कहा कि ये बिल हम सिलेक्ट कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको भेज रहे हैं, और साथ ही कहा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं फॉर देयर रिकमेंडेशंस। तो बार काउंसिल को तो पहले से उनसे सुझाव ले ही लिया था, शायद बार काउंसिल को भी भेज रहे हैं, लेकिन हाँ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन बहुत काम के हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देगी, सिलेक्ट कमेटी अपने रिकमेंडेशन देगी, तब जाकर के वो पार्लियामेंट से पास होगा। पास होने के बाद गवर्नमेंट एक डेट देगी नोटिफिकेशन के लिए, वो डेट क्या होगी, जब सारी तैयारियां हो जाएगी कि लॉ शुड बी इन्फोर्स्ड। जैसे हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, तीनों लॉ के नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे। अच्छा कुछ हो ना हो, जनरल नॉलेज का तो काम हो गया, ये क्वेश्चंस कहीं और आए ना आए, ये लॉ इन्फोर्स होगा नहीं होगा, जनरल नॉलेज में जीके में आपके काम आएगा। प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है कि आईपीसी का नया नाम क्या होगा, ये पूछा जा सकता है ना, ये आपके काम का है, तो वो आप जरूर जान लो। आईपीसी जो 1860 है इसका नाम बदलकर हो जाएगा बीएनएस 2023, है ना। अब ऐसा कहेंगे बीएनएस सेक्शन फला ऐसा, तो कुछ विद्वानों का ऐसा सोचना था कि प्रोविजन चेंज कर दिए, सब चेंज कर दिया। आईपीसी शब्द को चेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोगों के मुंह में वो शब्द चढ़ा हुआ है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। इसका नाम क्या हो गया, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। लेकिन अगर आपने जब ये लॉ लेकर आए तो जो वर्ड्स थे अमित शाह जी के, अगर आपने सुना हो वो, तो उन्होंने एक बढ़िया प्यारी बात कही। उन्होंने दो बातें कही, पहला तो ये कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये चाह रही है कि अंग्रेजों के समय की सारी निशानी को मिटा दिया जाए। मैं इसमें क्रिटिसाइज भी करूंगा चीजों के ना, थोड़ी आलोचना भी करेंगे ताकि सही बात लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सारी चीजें जैसी दिखाई पड़ती हैं वैसी हैं नहीं।
तो पहले तो कहा कि अंग्रेजों समय की निशानी को मिटा रहे हैं। जब ये कहा तो वो भूल गए कि सीआरपीसी 1898 का नहीं है। लगातार भाषण में वो बोल रहे थे कि हम, दो या तीन बार उन्होंने कहा कि सरकार जो है अंग्रेजों के समय की निशानी को मिटा देना चाहती है। अच्छा, तो अंग्रेजों के समय की निशानी क्या थी? 1860 की आईपीसी, ठीक बात है, मान लिया हमने। 1872 का एविडेंस सेट, ये भी मान लिया। लेकिन सीआरपीसी 1973 की है, तब कौन सा अंग्रेज था देश में? तो भावनाओं में बह गए वो बोलते बोलते। फिर भी बीएनएस नाम हो गया है, और इसके पीछे जो उन्होंने अपना उद्देश्य बताया वो ये था कि पहले जो कानून आया था वो लोगों को दंड देने के लिए आया था, इन ऑर्डर टू पनिश द पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत में रह रहे थे, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, अपने प्रशासन को ठीक रखने के लिए, भारतीयों को सजा देने के लिए वो लेकर आए थे। और इसके पीछे एक लॉजिक उन्होंने दिया जो ठीक भी दिखाई पड़ता है कि शुरुआत में जो पनिशमेंट है ऑफेंसेस के लिए वो है अबेटमेंट, दुष्प्रेरण से शुरू होता है वो। अगर आपने देखा हो, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद अगर हम चले जाएं तो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, अरे यही चैनल था उनका। तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है जो उन्होंने लॉजिक लगाया, लेकिन हाँ आईपीसी में कहीं भी था तो पनिशमेंट तो था ही, ये लॉजिक कितने काम का है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लॉजिक ठीक दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने कहा अब हमारा जो पर्पज है वो है न्याय दिलवाना। तो पहला जो ऑफेंस वाला चैप्टर है वो आ गया है, दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध। कुछ जो पहले आईपीसी में प्रॉब्लम्स थे उनको ठीक करने की कोशिश की है ऐसा दिखाई पड़ता है, जैसे कितना पनिशमेंट होगा, कितने तरह का पनिशमेंट है, ये बात पहले पता नहीं थी कितने तरह का पनिशमेंट है। ये बात और है कि लोग समझते थे पांच है, लॉजिकली वो छह था, दिखाई चार पड़ रहा था, क्योंकि पहले जो पनिशमेंट थे उसमें से एक था डेथ पनिशमेंट, एक था लाइफ इंप्रिजनमेंट, और लाइफ इंप्रिजनमेंट को नए वाले बिल में डिफाइन कर दिया है इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन, बचे हुए शेष जीवन काल के लिए। फिर एक ऑफ पनिशमेंट आ गया है, दैट इज नोन एज इंप्रिजनमेंट, दो तरह का कारावास है, सादा और सश्रम। फिर एक ऑफ पनिशमेंट है, दैट इज फाइन। एक फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है जो 1921 में रिपील हो चुका था, आईपीसी सेक्शन 61 में ये बात लिखी हुई है कि 1921 में फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे संपत्ति का समापन कहते हैं, वो रिपील हो गया है। अभी भी वही पड़ा हुआ है, ये क्यों पड़ा हुआ है इस पर बहुत बहस हो सकती है। और एक पनिशमेंट नया दे दिया गया है, वो है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। जैसे मान लेते हैं कोई छोटा मोटा अपराध करे तो आदमी को कहा जा सकता है कि तुम जाकर अनाथ आश्रम में सेवा करो, इतने पेड़ लगाओ, ऐसी वाली कहानी कही जा सकती है। लेकिन वो कम्युनिटी सर्विस क्या है उसको डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन करना भूल गए, परिभाषित ही नहीं किया। फिर जेंडर में एक बढ़िया शब्द ले आए हैं, वो जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों होंगे। लेकिन जब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया तो मेन और वुमन की डेफिनेशन दे रखी है, थर्ड जेंडर को डिफाइन ही नहीं किया। और मेन और वुमन की डेफिनेशन पहले से ही आईपीसी में थी, वो चीज़ वैसी की वैसी उठा लाए। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लेरिफाई करना चाहिए था, जैसे सेक्शन 300 आईपीसी है, उसका पांचवा एक्सेप्शन जो है उसमें जो इलस्ट्रेशन दे रखा है, एक्चुअली ये 306-305 का इलस्ट्रेशन है, एक्चुअली 306 का इलस्ट्रेशन हम कहें इसे, 300 धारा 300 अपवाद नंबर 5 में जो इलस्ट्रेशन है वो धारा 306 का इलस्ट्रेशन है, वो वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको चेंज ही नहीं किया। तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने दिमाग लगाया है इसके पीछे, और जब हम बात करेंगे तो इस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको वो भी समझाऊंगा, क्या हम करना चाह रहे हैं अभी, करेंगे क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब लागू होगा। जैसे कहा कि 7 साल से ऊपर वाला अपराध है, अच्छा मज़े की बात यह है कि मुझे आईपीसी सीआरपीसी पढ़ते पढ़ाते 15 साल से ज़्यादा हो गया, और जब से मैं ये टीच कर रहा हूँ, जब से मैं ये बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इनमें चेंजेस होने की ज़रूरत है। जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एक केस हम डिस्कस कर रहे थे, शायद आपको याद भी हो कि एक आदमी जो है वो किसी के घर में घुस करके ताला तोड़ा, और ताला तोड़ करके वो कुछ सामान चुरा ले गया, एक साइकिल चुरा ले गया था वो, और हमारे पास एविडेंस में एक ही चीज़ है, किसी ने उसको वहाँ टहलते देखा, और कोई एविडेंस ही नहीं है, और उस आदमी का स्टेटमेंट है जिसने कन्फेस किया कि हाँ उसने ऑफेंस किया। एविडेंस में दो ही बातें, जबकि अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था यहाँ सबसे बढ़िया एविडेंस क्या होता, फॉरेंसिक एविडेंस, उसके फुटप्रिंट मिल जाते, घर में उसके अगर फिंगरप्रिंट मिल जाते, ताला उसने तोड़ा तो ताले पर उसके फिंगरप्रिंट मिल जाते, तो केस कंप्लीट एस्टैब्लिश हो जाता कि हाँ ये घर में घुसा था और इसने ऑफेंस किया। अभी हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। और अगर आपको पता हो कि भारत में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है,
कन्विक्शन रेट कम होने के दो रीजन है, एक फेक कंप्लेंट्स, एक ये भी रीजन है, और एक लैक ऑफ एविडेंस कि जो शिकायतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा लोग दुश्मनी के कारण कुछ भी शिकायत लिखवा देते हैं, और दूसरा सबूत नहीं होता। ऐसे मामलों में जहां लोग ही नहीं है वहां सबूत क्या होगा? फॉरेंसिक होगा। तो कहा कि 7 साल से ज्यादा वाले अपराध में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का जाना कंपलसरी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इतने सारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे, अरे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, फिर उनको इक्विप्ड करना पड़ेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहां है? अभी तो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी प्रपोज की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी इसी वाले सेशन में, और उसमें कहा कि हर 3 साल में फॉरेंसिक ग्रेजुएट निकल कर आएंगे। मतलब पहला लॉट कब निकल कर आएगा? 3 साल बाद। तो जब अपॉइंटमेंट नहीं होंगे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाएगा कैसे? आपने कंपलसरी कर दिया। तो पहली बात यह समझना। दूसरी कहानी क्या है? कहा कि 90 दिन के भीतर 90 डेज में चार्जशीट पेश करना कंपलसरी कर दिया। कहा कोर्ट चाहे तो उसको 180 डेज तक कर सकता है, 90 डेज और एक्सटेंड कर सकता है। मतलब 90 डेज में एक मामले में चार्जशीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? पुलिस बल चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी पुलिस बल तो बहुत कम है। अगर भारत में हम 1 लाख लोगों पर पुलिस के बारे में बात करें तो अगर पुलिस के भरोसे लोग रहना शुरू कर दें, ये तो लोग मोरालिटी में रह रहे हैं। आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से बता दूं कि लोग जी रहे हैं ना, आधे लोग तो मोरालिटी नैतिकता में जी रहे हैं। ये काम करना पाप है, ये काम करना ठीक नहीं है, ये काम में ऊपर दूसरी दुनिया में सजा मिलेगी। अगर पता चल जाए कि पुलिस ही सजा देगी, जिनको ये पता है वो लोग बिना डरे अपराध कर रहे हैं। अपराधियों में डर इसीलिए चला गया, उनको पता है कि कब तो अरेस्ट होंगे, क्या तो करेंगे। तो 90 डेज में चार्जशीट कंपलसरी करने के लिए, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत जरूरी है कि पुलिस बल बढ़ाना पड़ेगा। ये सब एक दिन में हो जाएगा क्या? ये विंटर सेशन में हो जाएगा क्या? मुझे लगता है कि ऐसा होना बड़ा कठिन कहानी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप प्रीएम्बल में देखें तो लिखा है कि ये उस दिन इन्फोर्स होगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और साथ ही लिखा है गवर्नमेंट इसको पार्ट में नोटिफाई कर सकती है। मतलब पूरा का पूरा लॉ एक साथ इन्फोर्स होने की जगह कुछ कुछ पार्ट इन्फोर्स होंगे, कुछ पुराने कुछ नए चलते रहेंगे। इसका मतलब है कि पुराना लॉ हमारे काम का है ही। मेरी बातें समझते चलना है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। मेरे पास 2 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अब पढ़ाई छोड़ दें कि लॉ छोड़ दें। आपकी परेशानी बहुत छोटी है, समझना। मैं इंस्पिरेशन कहां कहां से लेता हूं कि एक अगले दिन सुबह किसी का राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, और शाम के समय ये नहीं कहा कि सिलेबस चेंज हो गया है, अब तुमको पढ़ के 1 साल बाद राजा बनने का मौका मिलेगा। कहा अब तुम 14 साल राजा नहीं बन सकते। ये भी नहीं कहा कि दूसरे स्टेट में बन सकते हो। ये कहा कि 14 साल तुमको जंगल में रहना है। जंगल का मतलब ना वहां वाईफाई है ना नेटवर्क है। ऐसा नहीं कि जगह जगह रेस्टोरेंट बने होंगे, रिजॉर्ट बने होंगे जंगल में, ये उस समय की बात है। वहां क्या मिल रहे थे? राक्षस, भालू, शेर, हाँ जिन्न, बेताल, पता नहीं क्या क्या। और टेंशन नहीं हुआ, उन्होंने मुस्कुराया, प्रणाम किया सबको और चल दिए। बोले ठीक है यहां चले चलते हैं, तुमको तो एक मौका है। कहा है सिलेबस बदल गया, तुम तो वैसे राजा सुबह बनने वाले भी नहीं थे। ऐसा होता कि आज सुबह एग्जाम होता, कल चेंज हो गया, तो हमको टेंशन हो जाता, अरे रात भर में कैसे पढ़ेंगे। तब शायद टेंशन ठीक बात ही नहीं, हमको टेंशन लेना चाहिए। अभी तो ये इन्फोर्स ही नहीं हुआ, मतलब हमने भविष्य की परेशानी को खींचकर हम वर्तमान में ले आए। ये फ्यूचर की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा। उसका रीजन है कि आईपीसी में वही वाले सेक्शन हटा दिए गए हैं जिसको हम नहीं पढ़ रहे थे, या हमने कहा था आप छोड़ दो। हम पहले से ही ये काम कर रहे थे जो इन्होंने अभी किया। आप, मैं भी आईपीसी में स्टार्ट करेंगे तो मेरी प्लानिंग ये है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस तीनों ही हम नए लॉ के रेफरेंस में पढ़ेंगे। नए लॉ मतलब जो बिल आया है उसके रेफरेंस में याद करेंगे हम पुराना वाला सेक्शन, और नए वाले सेक्शन का रेफरेंस भी लेंगे। ठीक। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग को और एक्टिव करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक रिविजन आपका और हो जाएगा। 350 सेक्शन हम लगभग पढ़ ही चुके थे, आईपीसी अबाउट टू कंप्लीट था, वापस से पढ़ेंगे, एक क्विक रिविजन हो जाएगा, बढ़िया, और परेशानी कहीं से कहीं तक है नहीं, आसान हो जाएगा जीवन। और क्या कर दिया? 356 सेक्शन बच गए 511 में से। तो कौन सा वाले सेक्शन हटा दिए? वो वाले जो काम के नहीं थे, और आसान हो गया कि इससे कहीं क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया जाएगा। ऐसी वाली कहानी खत्म हो गई, कंफ्यूजन वाली कहानी खत्म हो गई। कितने पनिशमेंट हैं? 6 हैं। अब तो कोई सा कौन एमसीक्यू कुछ बोल रहा हो, बेरेक कुछ बोल रहा हो, हमारे पास लॉ आ गया। अरे बातें समझ में आ रही हैं। तो जीवन जो है आसान हो गया है। समझना एक बात बहुत अच्छी बात, किसी ने कहा ऐसा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, क्या कहो?
मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और रक्त तो वर्षों से नसों में खौलता है, आपको लगता होगा क्षणिक उत्तेजना है, तो खून को खौलाते रहो और आपको हर डार्क क्लाउड में एक सिल्वर लाइटनिंग दिखाई पड़ेगी। जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आता जहां पर मैं परेशानी ही दिखाई पड़ती है। लॉ ये कहता है, ईबी जस यूवी रिमेडियम, हमारे लॉ में एक अच्छा प्रोविजन है अगर आपने पढ़ा हो, क्या कहता है, मतलब जहां समस्या है वहीं समाधान है। तो प्रॉब्लम को मत देखो, सॉल्यूशन की तरफ जाओ। और फिलहाल ये इन्फोर्स हुआ है क्या? क्या नए लॉ को पढ़ने की भी जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नए लॉ को पढ़ने की भी जरूरत नहीं उस बिल को, क्योंकि कौन जाने वो 3 साल बाद लागू होगा या 5 साल बाद, कौन जाने लागू हो ही ना। मध्य प्रदेश में 2011 में रेंट कंट्रोल एक्ट आया, जो कि अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को रिपेल करने के लिए आया था। जब ये लॉ आया तो उस समय मैं एक पब्लिशर हैं यहाँ लोकल, उनके लिए काम कर रहा था। तो जैसे ही पास हुआ ड्राफ्ट आ गया, और जैसे ही ड्राफ्ट आया तो हमने क्या सोचा, एक काम ये करते हैं कि सबसे पहली किताब हम ही निकालते हैं। 3 दिन 24 घंटे दिन रात जाग करके हमने वो किताब लिख डाली। आज तक वो लागू नहीं हुआ। अभी हम 2023 में हैं, कहाँ हैं? आज तक इन्फोर्स नहीं हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। और उस समय स्टूडेंट सेम परेशान थे कि अकोमोडेशन कंट्रोल एक नया वाला पढ़ना है क्या। कुछ को मैंने पढ़ा भी दिया था, जैसे अभी हम आईपीसी में रेफरेंस सेक्शन लेंगे और पढ़ेंगे, मैंने ऐसा कहा। कुछ को मैंने पढ़ा भी दिया कि नया वाला भी पढ़ लो, क्या पता अभी लागू हो जाए एग्जाम के पहले और तुम परेशान हो। तो एक बैच ने पूरा 2011 का रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रखा है, और अब कौन सा चल रहा है 2023, वो इन्फोर्स नहीं हुआ है। तो क्या पता आज से 10 साल बाद मैं ये ना बोल रहा हूं कि बीएनएस लागू नहीं हुआ, भारतीय न्याय संहिता। हाँ, आईपीसी का नाम क्या हो गया? बीएनएस। और सीआरपीसी का नाम क्या हो गया? ध्यान रखना, सीआरपीसी 1973 वाली है ना, और इस समय अंग्रेज नहीं थे। मजे की बात है, भारत के किसी भाग में नहीं थे। सिक्किम भारत का भाग हो गया था, गोवा भी भारत का भाग हो गया था। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया बीएनएसएस 2023, और इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय भारतीय शब्द भी आ गया है अब इंडियन की जगह। और तीसरा हमारा जो लॉ है, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, ये था 1872 का। इसका नाम हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इसका नाम हो गया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। शुद्ध हिंदी के नाम आ गए हैं और लॉ की भाषा अंग्रेजी है। जो बिल प्रपोज हुआ है वो प्योर इंग्लिश में है, और गवर्नमेंट ने उसका हिंदी वर्जन प्रोवाइड करना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर हम अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं तो बढ़िया काम ये करना था कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वर्जन भी रख देना था। पहली बार होता वैसा, उस दिन तो इंग्लिश वर्जन ही रखा गया था, अब हिंदी, उसका उर्दू, तेलुगु, मराठी सब आता रहेगा। मेरा बस बोलना यह है, उसी दिन सेम डे हिंदी इंग्लिश दोनों रख देते, लेकिन आपने इंग्लिश में ही रखा क्योंकि पार्लियामेंट की लैंग्वेज इंग्लिश है, उसको कब ठीक करेंगे पता नहीं। तो भारतीयता क्या है, इस पर भी बड़ी लंबी बहस हो सकती है। फिलहाल तो आपके क्वेश्चंस जो है मैं वो लेता हूँ, उस पर बात करते हैं वन बाय वन। भूमिका आप क्वेश्चंस पढ़ रही हैं, मैं आंसर देते जाता हूँ। किसी के और कुछ क्वेश्चन हो तो लिख करके भूमिका तक पहुंचा दो, मैं आंसर देता हूँ। भूमिका कहिए। नए एमबीबी के बच्चों को सिविल जज परीक्षा के लिए नई एक्ट पढ़ना चाहिए और पुराना? मैंने इसका आंसर आपको दे ही दिया। क्वेश्चन ये है कि सिविल जज की नई परीक्षा के लिए नया एक्ट पढ़ना चाहिए कि पुराना पढ़ना चाहिए, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। कौन सा वाला? मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी है, 2011 का रेंट कंट्रोल एक्ट मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई थी, बिल लेजिस्लेशन से पास हुआ, पास होने के बाद असेंट भी मिल गया, फिर इन्फोर्स क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको बताया इन्फोर्स कब होगा, ये जब गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, अधिसूचना जारी होगा। आज तक वो नोटिफाई नहीं हुआ, 2023 चल रहा है, एंड दैट बुक इज स्टिल पेंडिंग, कि जब वो अधिसूचना जारी होगा वो पब्लिश होगा। वो बिल बन गया, पास हो गया, लॉ बन गया है, लेकिन अभी तक इन्फोर्स नहीं हुआ। तो हमको नहीं पता ये लागू होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर हम आईपीसी की बात कर रहे हैं तो आईपीसी में सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं। तो नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, नए स्टूडेंट को करना ये चाहिए जिनका अभी एग्जाम का शेड्यूलिंग नहीं हुआ है, अभी जिनका नोटिफिकेशन नहीं आया है, उनको दोनों को पढ़ना चाहिए। और यहाँ हम एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे, है ना, विद कंपैरिजन टू द पर्टिकुलर न्यू बिल, नए बिल के साथ हम पढ़ेंगे। ए बी सी डी से स्टार्ट करने वाले हैं वापस से हम,
और जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, ऑफलाइन वाले भी शाम को जाके ऑनलाइन देख सकते हो। और ऐसा मेरा सोचना है कि ये सबके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग कंपैरिजन ये कह रहे हैं कि आईपीसी के 10-15 सेक्शन में चेंजेस हुए हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, आईपीसी पूरा चेंज हो गया, कंप्लीट आईपीसी चेंज हो गया। तो जो बात सेक्शन 299 और 300 जिसको हम पढ़ के पागल हो रहे थे, वो 98-99 में आ गया, एकदम ही अलग कहानी हो गई। रेप लॉज पूरी तरह से चेंज हो गए, क्योंकि अब एक नई तरह की बात आ गई है। जैसे अभी ओडिशा हाईकोर्ट ने रेप को लेकर एक बात कही थी कि अगर दो लड़का लड़की आपस में दोनों कंसेंट में हैं, कंसेंसुअस सेक्स, एक्स वर्ड हम कहते हैं, सहमत हैं आपस में, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लड़के और लड़की के बीच में शादी को लेकर कुछ बात भी हुई होगी हम शादी करेंगे, और दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बना है, तो लिखा साफ साफ ये है कि ये रेप नहीं है, लेकिन पनिशमेंट मिलेगा, नाउ इट इज पनिशेबल। तो ये क्लियर कर दी गई है बातें। कुछ बातें तो बहुत अच्छी आ गई हैं जिनको हमको जानना चाहिए, जहां संशय था, जहां शंका की स्थिति थी। कुछ डाउट वैसे के वैसे बने हुए हैं क्योंकि किसी ने उसको ठीक करने की सोची नहीं। और मुझे लगता है कि विंटर सेशन के पहले जो हम ये डिस्कस करेंगे, तो हम हर एक सेक्शन में ये भी बात करेंगे कि इसमें क्या चेंज होना चाहिए था और ये क्या गलत है। तो क्या पता लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कोई व्यक्ति इसको देख रहा हो, या पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई वीडियो देख रहा हो, सुन रहा हो, तो उनको समझ में आए कि इसमें और चेंजेस की ज़रूरत है। अभी ये लॉ जो आया है ये सारा क्रिस्टल क्लियर नहीं है। और जर्मी बैंथम एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि अच्छा लॉ, गुड लॉ का क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक क्वालिटी वो बताते हैं कि इट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस, ये संदिग्ध नहीं होना चाहिए। व्हाट इज एम्बिग्युइटी? एम्बिग्युइटी मींस द वर्ड व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे इज नोन एज एम्बिगुअस। तो लॉ इतना स्पष्ट होना चाहिए कि लोग अपने हिसाब से उसकी परिभाषा ना निकाल पाए। तो बहुत सारी एम्बिग्युइटी अभी भी है जिसको दूर करने की जरूरत है। वो कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ लॉ मस्ट बी ईजी सो दैट द सिटीजन और द जनरल पब्लिक कैन अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर प्रोविजन। भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि आम लोग उसको समझ सकें, ऐसी नहीं है भाषा। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, तब भी आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। जो बिल आया है अगर आपने देखा हो, तो जो लेफ्ट हैंड पर पेजेस हैं उसमें सेक्शन की हेडिंग राइट कॉर्नर पे दे रखी है, और जो राइट हैंड पे पेजेस हैं उसकी हेडिंग लेफ्ट कॉर्नर पे दे रखी है। लोगों को यही समझना अभी आसान नहीं है कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा है। जिन्होंने, आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, लॉ वालों को तो वैसे ही नहीं समझ में आ रहा, तो लॉ आम आदमी को समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात लिखी है कि द लैंग्वेज ऑफ द लॉ should be so clear, so vivid, that the general common man of the society can understand it. दूसरी बात भी इसमें नहीं है, इसको और क्लियर किया जा सकता है। तीसरी बात, जो illustrations हैं, illustrations उस बात को समझाने के लिए होना चाहिए, confuse करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो कई सारे illustrations अभी भी ऐसे हैं जो provision को confuse करने का काम कर रहे हैं। जैसे एक example मैंने दिया section 300 का exception 5 का जो illustration है वो confusion create करने वाला है कि कहना क्या चाह रहा है, जबकि इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल का मतलब यह है कि वो बात और क्लियर हो और समझ में आए। जैसे 299 और 300 में जो बातें कन्फ्यूजन वाली थी वो एज इट इज हैं, उनको नहीं क्लियर किया गया, उनको डाल दिया गया 98 और 99 में। अब आपको डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा 98 और 99 में, जबकि अब नया लॉ आया है तो इसको क्लियर कर देना चाहिए था। तो क्या आपको नए एक्ट को पढ़ना चाहिए? तो आप, मेरा आंसर है नहीं पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए क्या? जो पुराने एक्ट हैं वही आपके काम के हैं। लेकिन क्योंकि बिल आ गया है और 200% आज नहीं तो कल, मतलब ये नई सरकार अगर इनकी ही आती है, मैं क्लियर कर दूं, अगर नई सरकार जो आएगी 2024 के चुनाव में, अगर ये एनडीए की गवर्नमेंट है तो ये लॉ इन्फोर्स होगा, 200% होगा। ये इस वाले विंटर सेशन में होगा कि आने वाले समर सेशन में होगा, या 3 साल बाद होगा, या ये नोटिफाई करेंगे जब ये अगला चुनाव होगा उसके 1 साल पहले लागू होगा, ये हमको नहीं पता। लेकिन अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये लागू होगा। अगर गवर्नमेंट बदल गई तो इसके लागू होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि नई सरकार ये नहीं कहना चाहेगी कि ये ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया, तो लॉर्ड मोदी जी ने, ऐसा नहीं कहना चाहेगी वो सरकार जिसकी भी आए, वो लॉर्ड मैकॉले को ही याद करना चाहेगी। क्योंकि अब जो ये नया लॉ आ गया है इसमें किनको, अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं, जब नया लॉ इन्फोर्स होता है तो इसको अप्लाई कैसे, अप्लीकेबल कैसे होगा, ये सबसे पहले जजेस को ट्रेनिंग चाहिए। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं विंटर सीजन में ये इन्फोर्स हो जाएगा, अगर ये विंटर सीजन में इन्फोर्स हो गया, जजेस की ट्रेनिंग हुई क्या? नहीं। एडवोकेट्स की ट्रेनिंग हुई क्या? एडवोकेट्स को ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर पुलिस की ट्रेनिंग हुई क्या? अच्छा पुलिस कौन सी, किसी एक जगह की, लखनऊ की पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं ऑल इंडिया पुलिस की बात कर रहे हैं।
पूरे भारत के पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी तो काम होगा। पता चल रहा है एक आदमी आया मर्डर का केस लेकर और पुलिस ने आदतन 302 में FIR काट दिया, FIR ही गलत हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? पुलिस को ऐसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि 90 डेज में वो चार्जशीट पेश करें। अभी पुलिस नहीं कर रही है वैसा। 90 डेज मीन्स 90 डेज और स्पेशल कंडीशंस में कोर्ट उसको परमिशन देगा 180 डेज के लिए। तो इस सब के लिए क्या चाहिए? फिर एक बात और जोड़ दी गई इसमें कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उससे ही कंप्लीट ट्रायल पूरा हो सकेगा। कंप्लीट ट्रायल का मतलब यह है कि चार्ज फ्रेमिंग से लेकर के जजमेंट तक, इसका मतलब है एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये भी ऑनलाइन हो सकेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्लीट का मतलब इंटरनेट सुविधा चाहिए। एक आदमी हर पुलिस थाने या जेल में जो है ऐसा आदमी हो जिसको कि उसकी जानकारी हो। डेटाबेस रखने के लिए जगह चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? कोर्ट को कंप्लीट इक्विप्ड करना होगा। ये सब एक दिन में हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक टाइम। हो तो जाएगा लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा कि आज बिल आया और कल हो जाए। तो मुझे दिखाई ये पड़ रहा है कि इसमें लंबा समय है अभी इसको इन्फोर्स करने में। तो जो नए लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिल आपके हाथ में है तो बिल को रेफर करते रहिए। अगर आपके पास पुराना बेयर एक्ट है तो फिलहाल नया बेयर एक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, मत खरीदिए। अगर आपके पास पुरानी किताबें हैं और आपके पास पैसा ज्यादा ही हो रहा है, कुछ लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं बिना मतलब, तो आप किसी और चीज में पैसे लगाएं, उससे अच्छा ठीक है कि जिन्होंने अब एक दो रोज में किताबें निकाल दी उनकी किताब खरीद लीजिए। अदरवाइज आपके किसी काम की नहीं है वो किताब। जो नई किताब आ रही है, आपके काम की कौन सी है? पुरानी किताबें। आपके काम का क्या है? पुराना बेयर एक्ट। लेकिन एक सुझाव यह है कि जब आप पुरानी किताब पढ़ रहे हैं तो नए वाले बिल को सामने रख लीजिए। और आपको इन सब मेहनत से बचाने के लिए मैं हूं, मैं रोज जो है आ रहा हूं यहां पर, मैं बताता रहूंगा कि नए वाले सेक्शन में कौन सी बात कहां आ गई है। तो रेफरल सेक्शन जो है पुराने बैरक में लिखते रहिए। जो नई बात जोड़ दी गई है, जैसे मैंने कहा कि पनिशमेंट में एक नया वर्ड आ गया है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। तो 53 में एक, किसी के पास है क्या स्लिप? बुक फ्लैग है किसी के पास में? हाँ, नहीं नहीं मैं कुछ और मांग रहा हूं। स्टिकी नोट्स है किसी के पास में? हाँ दिखा भैया। हाँ मिल गया। तो ये एक उपाय है, ये ऑनलाइन वालों को भी दिखा दूं, तुम भी देखो भैया। इसे कहते हैं स्टिकी नोट्स। इसकी कहानी ये है कि इसको लिख करके निकालो और कहीं भी चस्पा कर दो, ये चिपक जाता है। तो ये आपके लिए हथियार है, ये खरीद लो पूरा का पूरा एक पैकेट, ठीक है? और क्या करो, जहां कहीं कोई प्रावधान चेंज हुआ है वहां इसको चिपका दो, उसमें लिख लो अपने हाथ से। तो आपको नया बैरक नहीं खरीदना है, आपको नई किताबें नहीं खरीदनी है, ये बिल अपने पास में रखना है। बिल इंग्लिश में है, बहुत जल्दी लोगों तक हिंदी में भी ड्राफ्ट पहुंच जाएगा। अदरवाइज यहां हम हिंदी इंग्लिश में करते रहेंगे और आपके लिए एक बेहतरीन ट्रांसलेशन जो है मैं लेकर आता रहूंगा। कई बार मैं ऐसा कहता हूं ट्रांसलेशन खराब है तो आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी मिलेगा। तो हम नए वाले बिल को क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे, पुराने वाले एक्ट को पढ़ेंगे, और दोनों ही चीजों को अब याद करना जरूरी है। जैसे मैंने तीन बार बोल दिया, 98, 99 की जगह आपको 299 और 300 याद करना होगा, ठीक है? फिर अगर मैं बात करूं आपकी परेशानी की, तो लोग कह रहे हैं हमने एक बार पढ़ लिया था अब दोबारा याद करना पड़ेगा क्या? अरे मुझे सोचो, 15-20 साल पढ़ाते हो गए। अच्छा, रात को मेरे ऊपर पानी फेंक कर पूछो कि हर्ट कौन से सेक्शन में, तो मुंह से 323 निकलेगा। मेरे वो जमे हुए, मतलब वो क्या कहेंगे, आइसबर्ग नहीं, उसको और कुछ कहूं, पूरा का पूरा अंटार्कटिका है IPC CRPC एविडेंस का, उसको गलाकर नया बर्फ जमाना, मेरी प्रॉब्लम आप समझो। लेकिन मैं मोटिवेटेड हूं। मुझे क्या लग रहा है कि आज से 50-100 साल बाद, अभी हम जब IPC की किताब देखते हैं तो लगता है 100 साल पहले था, फलां व्यक्ति ने 100 साल पहले किताब लिख रखी थी। मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूं कि मैं आज से 15-20 साल बाद जब मेरी दाढ़ी बाल पूरे सफ़ेद हो जाएंगे, है ना, तब मैं ये गर्व से बोल सकूंगा कि मेरे सामने ये बिल आया था, हमने इसकी चर्चा पार्लियामेंट में सुनी। सॉरी, चर्चा तो कोई करा ही नहीं। चर्चा करने के लिए क्या है, नॉलेज चाहिए, और इन लॉज पर ज़बरदस्त बहस होनी चाहिए थी। कम से कम 10 दिन की बहस चाहिए थी, जहां कोई खड़े होकर कहता कि इसमें ये प्रोविज़न ठीक नहीं, इसको ऐसा किया जाए। 40 मिनट के भाषण में अगर ऐसा लॉ IPC CRPC एविडेंस अगर देश में इन्फोर्स हो जाता है, तो मैं साफ साफ कहूंगा कि ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। और ये बिल अपोज करने जैसे नहीं है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको अपोज किया जाए, इसका तो स्वागत होना चाहिए। ये बहुत समय से पेंडिंग था जिसको होना चाहिए था, लेकिन नए इलस्ट्रेशन आने चाहिए थे, नए एग्जाम्पल्स आने चाहिए थे। ये पुराने एग्जाम्पल काम के नहीं है कि कोई जा रहा था घोड़े से गिर गया, मूर्छित हो गया, काहे के लिए घोड़े से जा रहा था वो? जब सड़कें बन गई हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, तो घोड़े से क्या करने जा रहा था? ये चेंज हो जाना चाहिए था।
कि बाइक से जा रहा था, धूम मचा रहा था, नए वर्ड आने चाहिए थे। तो वो पुराने वाले जो इलस्ट्रेशन हैं उनको टोटल विदा हो जाना चाहिए। और विंटर सेशन आने के पहले हम लेक्चर के माध्यम से ये बातें करेंगे कि यहाँ क्या बढ़िया इलस्ट्रेशन हो सकता है, कैसे वो गिर गया है, कौन क्या कर रहा है, सो नए जमाने के लोग कनेक्ट हो सकें। अभी कई बार क्लास में जब हम बात करते हैं तो समझ में नहीं आता घोड़े से क्या करने जा रहा था, वो क्यों चला रहा था घोड़ा, फिर हमको लगता है कि ये बग्घी वाला तो नहीं था, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस इसके साथ समझाना बड़ा कठिन है। आपको जानकारी दे दूं, लगभग 289 लॉज ऐसे हैं जो बदले जाने हैं, जिनको कि इन्होंने चिन्हित कर रखा है, लेकिन बदलाव तब मजे का है जब वो नए जमाने के हिसाब से आए। ये लॉ पूरी तरह से नए जमाने के हिसाब से नहीं है, इसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, और ये सजेशन हम ऑनलाइन माध्यम से देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, इसका आंसर मैंने दे दिया, हम पुराना एक्ट पढ़ेंगे नए के साथ में। मैंने बताया जैसे हम आईपीसी स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, एबीसीडी से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो इसका टाइटल है वहां से स्टार्ट करेंगे और मैं कंपैरिजन समझाता रहूंगा। तो क्योंकि हमने एक बार चीजों को समझ लिया है, समझने में भी आसानी होगी मुझे उम्मीद है। पहले हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे, डेढ़ घंटे की क्लास में एक घंटे हम डिस्कशन करते थे, आधे घंटे पढ़ते थे, अब डेढ़ घंटे की क्लास में पूरे डेढ़ घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक रोज हम प्लान ये कर लेंगे कि क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रख लेंगे, जिसमें हम ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस को ले लेंगे, कमेंट जो उनके आ रहे हैं, और ऑफलाइन वाले क्वेश्चन ले लेंगे। रोज हम क्वेश्चन लेने का काम नहीं करेंगे, एक दिन डिस्कशन का टाइम रखेंगे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी आईपीसी सीआरपीसी वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी मुझे लगता है अभी आने को है, और जब तक ये इन्फोर्स नहीं होगा तब तक ये काम का नहीं है। तो आपको पढ़ना पुराना आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस ही है, कब तक, जब तक ये इन्फोर्स नहीं होगा। और मुझे फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये इन्फोर्स होता हुआ, नहीं दिखाई पड़ रहा। और इन्फोर्स हो भी जाए तो कम्प्लीटली इन्फोर्स नहीं होगा, कुछ बातें इन्फोर्स होंगी, कुछ बातें इन्फोर्स नहीं होंगी। और अगर हो भी जाए तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट, मतलब हम सारे ऑप्शन को लेके चलें, है ना। ऐसा ना करें कि इसको छोड़ ही दें, ऐसा ना करें कि नए वाले खरीदने में लग जाएं, हमको अब सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। और ये जो हमारा बैच है अभी वाला, जो कि लोग अभी लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ सीख रहे हैं, इनके लिए बड़ी खतरनाक स्थिति यूं है कि नया वाला आया नहीं, पुराना गया नहीं, बीत गए दिन चॉकलेट के, आए नहीं दिन मोटर के, तो क्यों ना खाएं फिर अमूल चॉकलेट वाली कहानी। तो पुराना वाला आईपीसी चला जाना है, नया वाला आना है, कब पता नहीं, तो क्या करें। तो ये बिल्कुल वही वाली स्थिति है जब आप बच्चे नहीं रह गए और जवान हुए नहीं हो, है ना। तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों के साथ खेलें कि जवानों के साथ खेलें, खेल कौन सा वाला खेलें। तो अब कहानी ये है कि हमको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, छोटे बच्चों के साथ छोटा बच्चा भी होना पड़ेगा और बड़ों के साथ एडल्ट जैसी बात भी करनी पड़ेगी। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, इतना आप समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल के सब्जेक्ट भी बदलने चाहिए। फिलहाल अभी सिविल पर हाथ किसी ने रखा नहीं है, अदरवाइज जब कहा कि अंग्रेजों के समय की पूरी निशानी मिटा देंगे, तो 1908 की सीपीसी ने क्या अच्छा भला किया था, या 1882 का जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसने क्या महानता कर दी, या 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कौन सी बातें हैं। कोई जो है पता नहीं घोड़े पे जा रहा है, मेरा सफ़ेद घोड़ा बेच रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लोग घोड़ा गाड़ी ही खरीद रहे हैं। अब तो बदल जाना चाहिए पूरा का पूरा, है ना। पनिशमेंट के क्लॉज जो है वो पूरी तरह से बदल जाने चाहिए थे, कुछ बदलाव हुए हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो जितने भी लॉज हैं फिर तो सब बदलने चाहिए। हम रजिस्ट्रेशन एक्ट अंग्रेजों के समय का लेकर चल रहे हैं, हम सीपीसी अंग्रेजों का लेकर चल रहे हैं, नहीं लेकर चल रहे हैं। तो अंग्रेजों के समय के लॉज से मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन है कि फिर बहुत कुछ बदलना पड़ जाएगा। पहली रेलगाड़ी अंग्रेजों के समय लाई गई थी, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे लगता नहीं है कहीं से कहीं तक सही है, लेकिन हाँ, लॉ में रिफॉर्म्स होना चाहिए सोसाइटी के साथ में। अच्छा कानून वही है जो समाज के साथ बदलता रहे, और अच्छा कानून वही है जो समाज को लेकर के चले। तो अभी जो नई बातें आई हैं उसके हिसाब से चीजों को बदल जाना चाहिए। जैसे समन सर्व करने के बारे में जो प्रोविजन है, वहां पर मैम नई चीजें आ जानी चाहिए थी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ईमेल जैसी बहुत सारी चीज़ों को लाया जा सकता था कि और क्या मीडियम हो सकता है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ों को करने के लिए अभी कहा भी गया कि सब कुछ पेपरलेस हो जाएगा, लेकिन पेपरलेस हो जाने के लिए क्या चाहिए, बहुत कुछ रिक्वायरमेंट अभी है जिसको करने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता ये है। नेक्स्ट, पुरानी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस से छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार सबके एग्जाम पुरानी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस से होंगे, क्योंकि नया आया ही नहीं है
और मैं ये बात इसीलिए करने के लिए आज आया सो देट मैं बता सकूं कि बहुत सारे लोगों ने नया पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वो मैंने देखा कई सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं कि आईपीसी बदल गया है, अब नई आईपीसी पढ़ लो। क्यों जरूरत है? आया ही नहीं है नया, अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कब पढ़ेंगे? जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस दिन से आपको रटना है। अभी मैंने बताया पुराना वाला पढ़िए, नए वाले का रेफरेंस लीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया या हो जाता है तो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर लॉर्ड मिताली होंगे या कोई और होगा? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर आईपीसी नहीं लागू हो जाती है भारतीय न्याय संहिता, तो क्या इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में लॉर्ड मैकॉले का नाम पढ़ना पड़ेगा? इसका आंसर है नहीं। लेकिन तब भी एक क्वेश्चन तो ये रहेगा ही रहेगा कि जो पहली आईपीसी भारत में आई थी, ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने एनसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं तो वो आपके काम के ही हैं, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन यही है। जब हम पढ़ेंगे ना आईपीसी 2023 तो पढ़ेंगे 1833 से ही, 1833 के चार्टर से शुरू होगा, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 होगा, फिर हम पढ़ेंगे कि 2023 में जाके क्या हो गया, फिर हम पढ़ेंगे 2014 में जाकर के एक नई सरकार आई, फिर हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया और कहा कि गुलामी की निशानियों को मिटा देंगे। ये सब बातें पढ़ेंगे ही, और क्वेश्चन आपके लिए यही आएगा कि पहले लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, अभी लॉर्ड मैकॉले होंगे। इस आईपीसी को किसने ड्राफ्ट किया है? तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो है उसमें हमारे पास नाम अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें सुझाव जो मंगवाए गए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से सुझाव मंगवाए गए, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे सुझाव मंगवाए गए, उन्होंने बताया कि 118 दिन की मीटिंग हुई जिसके चेयरपर्सन ये अमित शाह जी ही रहे, ऐसा उन्होंने बताया। 118 सेशन हुए, उनका ऐसा कहना है, और तब जाकर के लॉ फाइनल हुए हैं। तो अभी तक हमारे पास नाम नहीं है, क्या पता अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी का नाम वो बताना चाहें तो ऐसा भविष्य में याद कर पाएंगे। अभी फिलहाल नहीं ऐसा कोई नाम। तो अभी फिलहाल आईपीसी पहली ड्राफ्ट किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ही है, उनको याद करना है, वही जनरल नॉलेज है। प्लीज, कैन वी से दैट ऑल द नेम हैज बीन चेंज्ड नॉट कॉन्सेप्ट? See, name with name, concept has already been changed. We cannot say that only name has been changed. The concepts, the new thing, जैसे मैंने बताया अभी कि एक बात लंबे समय से आ रही थी कि consensual sex, क्या ये rape है? Whether it should be punished or not? And if it is punishable, in which section of IPC it should be punished? तो clarity आ गई हमारे पास में, कह दिया कि हाँ ये जो है अब punishable होगा, rape नहीं है but it will be punished. क्योंकि उसने उसको धोखा दिया, अपना नाम बदल करके कैसे करके वाली कहानी, जो भी कहानी करी है, तो चीजें आ गई हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि ओनली नेम हैज बीन चेंज्ड, ऑल द थिंग्स आर सेम। तो पैकिंग तो चेंज हुआ ही हुआ है, थोड़ा सा मटेरियल भी चेंज हुआ है, स्टफिंग भी चेंज की गई है। तो समोसा तिकोन से चौकोन हो गया है, आलू की जगह पनीर भी आ गया है, तो चीजें तो चेंज हुई हैं। सिर्फ नाम बदल गया होता तो बहुत आसान हो जाता, क्योंकि हम नाम बदल लेते और बाकी चीजें अंदर का सेम रखते। लेकिन अभी मैंने बताया 356 सेक्शन हो गए हैं आईपीसी में, मतलब बहुत सारा पोर्शन हटा दिया गया है जो रिलेवेंट नहीं था। एविडेंस एक्ट हम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो लंडन गजेट शब्द हम पढ़ते थे, डॉक्यूमेंट प्रिंटेड फ्रॉम द क्वींस प्रिंटर, वो सब बातें थी, वो सब हटा दी गई हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का भारतीयकरण हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो चेंज हो गया पूरा का पूरा, ये तो नेशनलाइजेशन हो गया है, ऐसा समझ लें आप। अब सेक्शन बदल गए, सबसे बड़ी चीज तो ना सेक्शन बदल गया। अगर आप नंबर्स बदल गए, पहले हम याद रखते थे कि सेक्शन 511 में अटेम्प्ट की कहानी है, अब वो बीच में कहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा कहां मिलेगा। अब लास्ट सेक्शन 356 है जो रिपील क्लॉज है, क्या रिपील हो गया? तो 356 में इंडियन पीनल कोड 1860 रिपील हो गया, तो चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं। एंड यू हैव टू मग अप ईच एंड एवरी सेक्शन, ये सारी ही धाराएं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अब हमको नहीं पता कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, अब तो सारे ही इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन सीआरपीसी में जो प्रोसीजर था सेक्शन 484 सेक्शन से, अब सेक्शन 500 से ज्यादा हो गए। एविडेंस एक्ट में 167 से 170 सेक्शंस हो गए। तो बहुत डिटेल में जाकर समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कहो कि एक कंपेरेटिव चार्ट बना दें कि ये पांच बातें बदल गई हैं, तो जो कोई ऐसा बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी हमको ऑनलाइन मीडिया में यही दिखाई पड़ रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे वीडियोज के लिंक आ गए, 150 से ज्यादा मेरे पास ड्राफ्ट हैं आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के मोबाइल पर, तो सबने ड्राफ्ट भेज दिए, वीडियो के लिंक आ रहे हैं। और मैंने एक दो वीडियो देखे कुछ लोगों के, तो वो बता रहे हैं कि ये पांच बातें बदल गई हैं, ये 10 चीजें बदल गई हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया एंटायर सेक्शन हैज बीन चेंज्ड, तो ईच एंड एवरी सेक्शन वी हैव टू स्टडी विद रेफरेंस टू द ओल्ड लॉ एंड न्यू बिल,
इस बात को हम समझें, क्योंकि जब कभी भी लागू हो जाएगा हमारा माइंड मेकअप रहेगा कि नए में क्या है और आपको काम में क्या आएगा, वही पुराना बैरेक पुरानी किताब काम आएगी विद स्टिकी नोट्स। तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, आपका कोई लॉस नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टडी, क्योंकि एनहेंस ही हो रहा है नॉलेज, आप समझना है ना। आपका नॉलेज जब हम कंपेरेटिवली पढ़ते हैं कि पुराने में ये था नए में ये था, तो आपका ज्ञान ही बढ़ रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है, आपको पता ही है कि पहले ये पनिशमेंट था अब ये पनिशमेंट आ गया, और आने वाले 50 साल तो पुराना और नए के साथ में ही बात होगी, एटलीस्ट 50 ईयर्स, 50 साल बाद लोग पुराने को भूल जाएंगे। जैसे जब 1973 की CRPC आई थी, तो मुझे याद आता है कि ईयर 2000-2001 में जब पहली बार मैं CRPC पढ़ रहा था, तो हम ओल्ड CRPC के साथ कंपेरेटिव पढ़ रहे थे तब भी, कि पुरानी CRPC में प्रोविजन कहाँ था, नई CRPC में प्रोविजन कहाँ था, क्योंकि जो पुराने जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स में पुराने सेक्शंस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, अभी आपको नया जजमेंट तो कहीं से मिलेगा नहीं, अरे बताओ मिलेगा क्या। तो जब हम साइटेशन पढ़ेंगे मर्डर के लिए, एक तो आप पढ़ोगे, एक नया बच्चा पढ़ेगा। नया बच्चा क्या पढ़ेगा साइटेशन की, सेक्शन 303 वॉज मेड इनऑपरेटिव बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मीठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यही पढ़ेगा वो। अब 303 यहां का रिपील थोड़ी ना हुआ है, दैट वॉज 303 ऑफ IPC, अरे ऐसा ही है ना। तो उसको केस लॉस तो वही है, आपके लिए आसान हो गया कि 303 में क्या था और इसमें क्या, उसके लिए नया आसान नहीं हुआ। या हम जब बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पढ़ेंगे सेक्शन 302 के लिए, तो नए वाले को तो समझ में नहीं आ रहा 302 कौन सा है, आपको तो याद रहेगा कि नया वाला 99 सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो साइटेशन वही है, वहां पर मैं सेक्शंस कौन से कोट होंगे पुराने वाले, और नया रेफरेंस कहां से देखना पड़ेगा, नए लॉ का। तो जो पुराने पढ़ चुके हैं उनके लिए बेनिफिट है, ध्यान रखना। तो आपके लिए कोई लॉस नहीं, ना मॉनेटरी लॉस है, ना ही आपका स्टडी में लॉस है, ना कुछ और, चीजें एनहेंस ही हो रही हैं अगर आप पॉजिटिव साइड देख सकें तो। इट इज ऑल अबाउट व्यू पॉइंट, क्या देखना होता है। अगर आप नेगेटिव हैं तो फिर तो नेगेटिविटी के लिए बहुत सारा समय है। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या पता अभी न्यूज नहीं आया, आप तो बोल रहे हो पढ़ाई छोड़ने की लॉ छोड़ दें, कुछ ऐसे भी हो जो दुनिया छोड़ने का सोच रहे होंगे। ऐसी चीजों से दुनिया छोड़ने का नहीं सोचा जाता है ना, ये तो आपको एक मजा है समझना। डोंट एवर से व्हाई मी, इंस्टीड यू शुड कीप ऑन सेइंग ट्राई मी। और जब कभी ऐसा बोल देते हैं ना ट्राई मी, तो मालिक बोलता है चल अब बताता हूं तेरे को। 2012 में MPPSC में लॉ के सब्जेक्ट जुड़े, पहली बार सिविल सर्वेंट्स लॉ पढ़ने के लिए आए, किताब मैंने लिखी SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट, 6 महीने में 10,000 किताब बिक गई, लॉ की बेस्ट सेलर बन गई। अब लग रहा था कि कम से कम आने वाले 25-30 साल इसकी रॉयल्टी मैं खा सकता हूं। MPPSC ने सिलेबस चेंज कर दिया। 2015 में ADPO की वैकेंसी आने वाली थी, MP ADPO की, और हमने ADPO पर किताब लिख मारी, वैकेंसी आई, सिलेबस चेंज हो गया। पिछले 3 साल, मतलब 3-3.5 साल हो गए जब हम IPC CRPC एविडेंस पर काम कर रहे थे, हिंदी IPC CRPC एविडेंस, इंग्लिश IPC CRPC एविडेंस। IPC इंग्लिश पब्लिश हो चुकी, CRPC पब्लिश हो चुकी, CRPC हिंदी के लिए अगले महीने मेरे पास इनविटेशन था, मैं BHU जा रहा था, आई वॉज अबाउट टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन CRPC 1973, और प्लान ये था कि वहां पर मैं बुक लॉन्च करेंगे हिंदी CRPC। सिलेबस चेंज हो गया, बट आई एम स्टिल मोटिवेटेड, क्योंकि कहा किसी ने कि नशेमन पर नशेमन, नशेमन कहते हैं घोंसले को, काय को, तो कहते हैं नशेमन पर नशेमन तो इस कदर तामीर करता जा, मतलब घोंसले के ऊपर घोंसला इतने ऊपर तक बना ले कि बिजली खुद ही गिरते गिरते बेजार हो जाए, कि बिजली गिरे भी तो तुम्हारे तक पहुंचने से पहले बेअसर हो जाए। तो तुम्हारी काहे की परेशानी, अरे तुम कहां परेशान हुए बताओ, सोचो। जब कभी किसी पर काम किया जा रहा है, अच्छा वो काम भी जो है 1-2 महीने का नहीं है, हिंदी CRPC पर हम 3-3.5 साल से लगे हुए थे, अभी पूरा हुआ कुछ समय पहले ही, 8-10 दिन हुए वो प्रिंट पर गया हुआ था। अच्छी बात यह कि प्रिंट नहीं हुआ और उससे पहले ही ये बिल आ गया। तो 3-3.5 साल की मेहनत, और ऐसा मेहनत नहीं कि 2 मिनट बैठ करके काम किया जा रहा है, रोज 3-4 घंटे की मेहनत, और चेंज हो जाए तो तुम्हारी परेशानी उससे कम ही है, कंपेरिजन कर लो तो वैसे ही मोटिवेशन आ जाएगा। और जैसे ही ये बिल आया, दोपहर के समय मेरे पास मैसेज आया, मैं UP PCSJ के स्टूडेंट्स के साथ में था, उनका इंटरव्यू स्टार्ट होना है अभी, बिल आया और मैं उनसे बात ही कर रहा था, तो मेरे पास कोई टीम का ही आ गया कि व्हाट्सएप चेक कीजिए, और मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। देखा बिल आ गया, और जैसे मैंने देखा बिल आ गया तो आई वॉज वेरी मोटिवेटेड, कमाल हो गया यार ये तो।
क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि अब इस पर बढ़िया काम करेंगे, कुछ नई चीज लेकर आएंगे, नई किताब लिखेंगे, नए सिरे से करेंगे, क्या दिक्कत है। और टीम के लोगों को लग रहा था कि यार ये पगला ही गया है क्या, क्योंकि बाकी लोग डिमोटिवेटेड थे कि अभी हमारी आईपीसी और सीआरपीसी तो नंबर वन चल रही थी अभी। मतलब बीच में अभी मुझे ऐसा हुआ कि केजी बालकृष्णन साहब से लेटर मिला और दो दिन पहले ही ऑनरेबल जस्टिस बी के श्रीवास्तव साहब जो हैं उनका कॉल आया कि ये किताबें कमाल हैं। मतलब मुझे लग रहा था आने वाले 20-25 साल जो है अब इसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी, लेकिन अभी तो मेहनत की ही कहानी नहीं निकली। मतलब अभी तो पब्लिश हुई थी, जून में तो प्रिंट हुआ था ये, और अभी तो किताबें पूरी निकली नहीं है, बदल गई। तो यू शुड बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट, जजमेंट विल बी कोटेड ऑन कोर्ट, साइटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि ये वाला जो लॉ है वो इन्फोर्स हुआ ही नहीं है। अगर ये इन्फोर्स हो भी जाए तो वेन एवर यू हैव टू साइट एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, इट विल बी द ओल्ड जजमेंट डेफिनेटली। नया जजमेंट तो अभी आया ही नहीं है ना, गाइडलाइंस तो सारे पुराने हैं। जैसे अगर आपको याद हो, अभी हम जब जजमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको मैं प्रिवी काउंसिल के जजमेंट बताता हूं, तो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट हम अभी भी पढ़ रहे हैं क्योंकि नए वाले गाइडलाइंस हैं ही नहीं, तो हम ओल्ड जजमेंट्स ही साइट करेंगे। वही मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि जिन लोगों ने पुराने लॉ पढ़ रखे हैं, जिनके पास पुराने जजमेंट्स हैं, वो काम में आने वाले हैं। नए सेक्शंस के साथ पुराने ही जजमेंट कोर्ट होंगे, डोंट यू फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो अब क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं करना, जो अलग होगा वही पढ़ना। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपी जुडिशरी। एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, सारी जुडिशरी की तैयारी वैसी चलती रहेगी जैसे अभी तक चल रही थी, कोई चेंज नहीं आने वाला, वही एमसीक्यूज जो आपके पास हैं वही काम में आने वाले हैं, अभी भी और बाद में भी। बाद में कैसे काम में आएंगे वो एमसीक्यू, वो एमसीक्यू से सेक्शन बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, मर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं बदला, रेप का कॉन्सेप्ट नहीं बदला, थेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं बदला, सारी चीजें एज इट इज हैं। वही डिफरेंस जो आप पहले पढ़ रहे थे रेप में, और अब तो खैर हमारे पास में एक ऑफेंस चला गया, दैट इज 497 वाला, जिसको हम एडल्ट्री कहते हैं। अदरवाइज पहले हम दोनों में डिफरेंस पढ़ते थे, लेकिन अभी भी आप थेफ्ट और रॉबरी में डिफरेंस पढ़ेंगे, वही डिफरेंस है जो पहले देकर गए, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, आप इस बात को समझ लें। तो प्रिपरेशन जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगी, बिना किसी दिक्कत के चलेगी, बट एक थोड़ा सा आपका काम यह बढ़ जाएगा कि नए वाले बिल का रेफरेंस आपको लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ये चेंज हो सकता है। मैंने एक शंका तो जाहिर कर दी दैट इट मे बी इन्फोर्स्ड आफ्टर 24 और 25, है ना, आफ्टर द 24th इलेक्शन, 2024 वाला इलेक्शन जो है, आफ्टर दैट अगर ये वाली सरकार आती है तो इन्फोर्स होगी, ऐसा मैंने कहा। लेकिन हो सकता है ये विंटर सेशन में भी हो जाए, गॉड नोज, हमको नहीं पता, चांसेस बहुत कम है वैसे। क्यों चांसेस कम है, मैंने बताया, अभी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आनी है, अभी लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आना है, उसके आने के बाद सारे पुलिस स्टेशन और सारे जो कोर्ट हैं उनको इक्विप्ड करना है, उसके बाद इन सबकी ट्रेनिंग करनी है, तब जाकर के लॉ इन्फोर्स होगा। तो चांसेस तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे, फिर भी मैंने कहा कि अपनी सेफ्टी के लिए हम नए लॉज का रेफरेंस लेते चलेंगे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आप वैसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। इफ यू आर गोइंग थ्रू द पर्टिकुलर प्रीएम्बल, गो थ्रू द प्रीएम्बल ऑफ आईपीसी, लेट मी रीड द प्रीएम्बल फॉर यू सो दैट वी कैन डिस्कस द थिंग। बिल सेज दैट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंडिकेटेड देयर टू। इसमें लिखा है इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द संहिता। वो कह रहे हैं कि अलग अलग प्रोविजन अलग अलग समय पर इन्फोर्स हो सकते हैं, जब कभी भी ये इन्फोर्स होंगे इट विल बी फॉर द एंटायर कंट्री, नॉट ओनली फॉर द जजेस बट फॉर द जनरल सिटीजन, जुडिशियल एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स, फॉर ईच एंड एवरी वन। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट्स के लिए कहा जाएगा कि नहीं आप पुराना वाला पढ़ के आओ, ये तो कोर्ट में लागू करना है। जैसे ही इन्फोर्स हुआ द एंटायर लॉ विल बी रिपील्ड एंड रिपील्ड लॉ हैज नो यूज फॉर स्टूडेंट्स, नीदर फॉर द एडवोकेट्स नॉर फॉर द जजेस। सो ये बात आप समझ लीजिए ध्यान से तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज नथिंग टू डू विद दिस। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है,
सुप्रीम कोर्ट क्यों चेंज करेगा? ये तो रिफॉर्मेटिव लॉ है, लॉ हैज बीन रिफॉर्म्ड इन अ वे इट शुड बी। बहुत बढ़िया रिफॉर्म ये हुआ है, मतलब इसकी तो बहुत समय से जरूरत थी, और मैंने कहा अभी और रिफॉर्म की जरूरत है। अभी तो ये रिफॉर्म हुआ ही है, इसमें और चेंजेस होने चाहिए, जिसके बारे में हम डे बाय डे बात करेंगे कि इसमें ये चेंज और होना चाहिए, ये चेंज और होना चाहिए, ये वाली बातें हैं जो बदल जानी चाहिए, ये इलस्ट्रेशन थोड़ा और आसान हो जाना चाहिए, इस इलस्ट्रेशन को यहाँ से हटाना चाहिए, हम ये बातें भी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन है वेदर द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू रिव्यू द पर्टिकुलर लॉ एंड गिव एनी डायरेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है ये भी नहीं है कि कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन जाता भी है तो सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इसका सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है, ये किसी सिटीजन के किसी राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी AIB एग्जामिनेशन बिकॉज इट हैज नॉट बीन एनफोर्स येट। Because the date of enforcement is not there, it is not going to affect any of the examination, including AIB. So you have to prepare the way you are preparing for any of the examination, including JLO, AIB, LLB, LLM, and your judiciary. Next question. What is this effect of judgment writing? Because it has not been enforced yet, it won't affect judgment writing. लेकिन समझना, जैसे ही ये enforce हो जाएगा, it is going to affect in the judgment writing segment in a way that the sections of framing charges is going to be changed, number one, and the punishment clauses, which is known as penal clauses, it is automatically going to be changed. And one more thing, punishments, kai sare punishments change hue hain, to wo punishments bhi aapko dhyan mein rakhna padega. To judgment writing ka format wahi hai, wo change nahi ho raha, charge waise hi frame karna padega. Marshalling aur appreciation, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि एविडेंस लॉ में चेंज हो गया है, क्योंकि अब जब हम एविडेंस की बात करेंगे अप्रिशिएशन की, तो फॉरेंसिक एविडेंस की हम बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी ये डिसाइड कर सकता है कि फॉरेंसिक एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अभी इक्विप्ड नहीं है, अभी शूज के मार्क्स देखकर नहीं बताया जा सकता कि एक्स का है कि वाई का है, क्योंकि हर किसी के शूज के मार्क्स समान ही होंगे, लोग एक ही समान आदिल दास के शूज पहन के घूमते रहते हैं। फिंगरप्रिंट बताया जा सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट जब बताया जाएगा तो उसके लिए मैंने कहा वापस से इक्विप्ड होने की जरूरत है, और एक एक डिटेक्टिव टीम बनाई जानी चाहिए। जैसे अगर आपने देखा हो कि अब सुना हो आपने, स्कॉटलैंड यार्ड के पास में उनकी डिटेक्टिव टीम है, इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव्स करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ डिटेक्टिव की टीम होगी जो पता लगाती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो भी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। तो अप्रिशिएशन और मार्शलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन अभी जो लोग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 2-5 साल के बाद, अभी कोई चेंजेस नहीं है। जजमेंट राइटिंग भी एज इट इज चलेगा, जो बुक्स आपके पास जजमेंट राइटिंग की हैं वही काम में आएंगी, जो जजमेंट्स पुराने हैं वही काम में आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, डोंट यू फॉरगेट दिस। नेक्स्ट, व्हाट आर इंक्लूडेड इन कम्युनिटी सर्विसेज पनिशमेंट, फ्रॉम वेयर दिस कांसेप्ट हैज इमर्ज्ड? मैंने बताया अभी कम्युनिटी सर्विस वाली जो कहानी है ना, ये अगर आपने देखा हो हाई कोर्ट्स समय समय पर कम्युनिटी सर्विस के लिए डायरेक्ट करते रहे हैं। कम्युनिटी सर्विस क्या है मैं आपको समझा दूं, इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द पर्सन हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस विच इज अगेंस्ट सोसाइटी एंड विच इज नॉट ऑफ हीनियस टाइप, ऐसा अपराध जो बहुत जघन्य नहीं है, समाज के विरुद्ध है, ऐसे वाले अपराध में किसी को सेवा करने के लिए आदेश दे दिया जाए। जैसे मान लेते हैं किसी ने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कोई काम कर दिया है विच इज पनिशेबल, तो उसको काम दे दिया जाए कि भैया तुम पेड़ लगाओ। किसी ने जो है फैमिली के अगेंस्ट कोई काम किया है, फैमिली के अगेंस्ट मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक क्रुएलिटी वाली कोई काम की है, तो उसको काम दे सकते हैं कि जाके अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, फला जगह सेवा करो, तो उससे उसका माइंडसेट चेंज होगा। और कम्युनिटी सर्विस जो है, ये बात और है कि लोगों का ऐसा कहना है कि कम्युनिटी सर्विस वाले जो प्रोविजंस हैं वो फॉरेन लॉज से आए हैं, US में ये चल रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में ये चल रहा है, नीदरलैंड्स में तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन आपको जानकारी दे दूं, इट इज़ वेरी इंडियन नोशन, ये भारतीय सोच है पूरी की तरह, क्योंकि हमारे पास एक थियोरी होती है एक्सपिएट्री थियोरी ऑफ पनिशमेंट, इसे कहा जाता है प्रायश्चित का सिद्धांत, और प्रायश्चित के लिए एक बात IPC में पहले से थी, दैट इज सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 73-74 ओल्ड IPC जो कहता था किसी को अकेले में बंद कर दो। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी को अकेले में बंद कर देना उसको पागल बना सकता है, तो व्हाट काइंड ऑफ पिनेंस इज रिक्वायर्ड, ऐसा वाला पश्चाताप, ऐसा वाला
अपीनेंस या एक्सपिएशन इज रिक्वायर्ड जो उसको बदल दे। और ये क्या है, दिस इज कम्युनिटी सर्विस, और ये हमारे यहाँ बहुत पहले से रहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में पढ़ने के लिए मिलता है कि कम्युनिटी सर्विस जो है एक बढ़िया पनिशमेंट रहा है जहाँ लोग बदल सकते हैं। तो ये वेरी इंडियन नोशन है जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम सेक्शन 53 पढ़ेंगे, नया पुराना वाला 53 नए वाले के रेफरेंस से पढ़ेंगे, तब बहुत डिटेल में समझेंगे कि ऑफेंसेस क्या हैं, कहां से आए हैं और क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। प्रत्येक सेक्शन पर लागू होने वाला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे कि तो एक ही कहानी है, रिपीटेशन इज द की, रिविजन रिविजन रिविजन, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और पुराने वाले के साथ नया वाला, अगर आप ये सोच रहे हो कि नया वाला सीधे याद कर लेंगे तो ऐसा होता भी नहीं है। किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए, आपको बता दूं मेमोरी कैसे बनती है, तो हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं आपकी जानकारी के लिए, वो न्यूरॉन्स के लिंक होती है। दो न्यूरॉन्स जब आपस में लिंक करते हैं तो मेमोरी बनती है। जैसे कई बार मैं क्लास में सेक्शंस पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं इसको इस सेक्शन के साथ याद रखो। आप में से कई सारे लोग परेशान हो जाते हो कि काहे के लिए वो वाला सेक्शन पढ़ना है। एक दिन सोनम तो नाराज हो गई थी ये बोलकर कि काहे के लिए पुराना सेक्शन पढ़ाते रहते, दूसरा सेक्शन पढ़ाते रहते, क्योंकि वो लिंक बनाता है। न्यूरॉन ऐसे ही काम करते हैं, मेमोरी ऐसी ही बनती है कि जैसे ही आप किसी की शक्ल देखते हो और आपके दिमाग में नाम याद आ जाता है, अच्छा ये तो दिव्या है, क्योंकि वो शक्ल के साथ वो मेमोरी बनी हुई है, उन न्यूरॉन्स ने आपस में कनेक्शन बना रखा है। इट इज ऑल अबाउट कनेक्शन। और आपको चीजें, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कई बार नाम सेव करते हो किसी का, तो नाम सेव करने में आप उसके साथ में डाल देते हो इसका रेफरेंस क्या है। अगर आपने नाम सेव किया है, आदमी का नाम है अनिरुद्ध, और आप लिख देते हो कि भंवर को आप असिस्टेंट पे मिला था, अब जब कभी आप वो नाम ओपन करके देखो तो क्या पता चलेगा, अच्छा ये वो लड़का है जो भंवर को आप असिस्टेंट, अब पूरी कहानी याद आ जाएगी आपको। तो लिंक है वो रेफरेंस है। तो पुराना वाला लॉ, नए अगर आपके माइंड में वो है तो नए वाले का लिंक बन के मेमोरी आसानी से बनेगी, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे भी पिछले 15-20 मिनट से मैं जो बोल रहा हूं आपको याद हो गया होगा कि सेक्शन 98 कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन कर रहा है और 99 मर्डर को डिफाइन कर रहा है, और 305 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, अब 105 106 में आ गया है, ऐसे वाला भी याद करना आसान है। 305 306 105 106 में, अब ये अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूं आउट ऑफ माई मेमोरी, ये मैंने भी एक ही बार पढ़ी है, एक बार जब जस्ट गो थ्रू कर लिया है और ये दिमाग में है तो बाकी 356 याद करने में कितना टाइम लगेगा, यूं याद हो जाएंगे सारे, मुझे भी और आपको भी, अब तो हम एक ही साथ में हैं ना, वी आर द चीफ ऑफ द सेम बोर्ड, एंड ईच एंड एवरी द सुप्रीम एडवोकेट और द टीचर ऑफ द कंट्री इज ऑन द सेम बोर्ड। अब सब वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, सिर्फ ये चीज डिपेंड करेगा कि आप कहां तक उसको आगे बढ़ाएंगे, कि आपने उसको कैसे लिया है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, याद रखिए कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट, दैट इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो जीवन में जब कभी भी परेशानियां आती हैं, स्वीकार करो कि ठीक है देखा जाएगा, है ना, परेशान हो जाना हमको कहीं लेकर नहीं जाता। और जब आप खुश होकर के चीजों को अपने पास बुलाते हो ना, तो वही आपकी मेमोरी में जाता है। खुश होकर पढ़ो, ये मत सोचो कि हाय क्या पढ़ना पड़ रहा है। मुझे याद आया अभी कोई मेरे बहुत ही खास परिचित थे, उन्होंने बताया कि उनको ब्लड शुगर जो है वो डिटेक्ट हुआ, तो अब जो है बड़ी परेशानी ये हो जाएगी कि शक्कर वाली चाय नहीं मिलेगी या मीठा खाना नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा खाने को। तो मैंने कहा कि अब बिना शक्कर वाली चाय को एंजॉय करना शुरू करो। हमारी परेशानी क्या है पता है, हमको एक बात सिखा दी गई है कि हमको जीवन में वो करना चाहिए जो हमको पसंद हो, इस बात पर मुहर लगा दी चाचड़ ने भी, वही करो जो पसंद हो। नहीं नहीं नहीं, गलत थॉट है ये। ये नोशन से चलेंगे तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन का नोशन क्या है पता है, जो करना जरूरी है उसको पसंद करो। मेरी फिलॉसफी से काम करो, जीवन आसान हो जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, दोस्त है, पसंद करना जरूरी है क्या, उसको करना शुरू कर दो पसंद। लाइफ पार्टनर है, मिली गया निखद्ध कोटि का, आप क्या करें, पसंद करना शुरू करो, मजे लो उसकी आदतों से। सच बोल रहा हूं मैं, जीवन आसान हो जाएगा। उल्टा कर लो इसको, लॉ आ गया है क्या, पढ़ना जरूरी है, जरूरी है, बिना पढ़े काम होगा क्या, नहीं, मजे लेना शुरू करो, करो वाह क्या बढ़िया तुम लॉ ले आए हो यार, आओ तुम्हारे साथ याद करें, आसान हो जाएगा जीवन। जीवन आसान और कठिन एक ही चीज से है, वो है माइंडसेट। सब कुछ यहाँ है, यकीन मानो, और आपने उसको कैसे लिया, परेशानी से या खुश होकर। सुबह 6 बजे उठना है क्या, एक तो है कि आप मुंह बना करके सुबह उठ रहे हो अलसाते हुए और सोच रहे हो सुबह सूरज क्यों उग गया, तू उल्टा कर लो, उठना जरूरी है ना, मजे लो, खुश हो जाओ, बोलो धन्यवाद सूरज तू आया मेरे से मिलने के लिए और मेरी आंख समय पर खुल गई, और कम से कम खुल तो गई। पृथ्वी पर 10 लाख लोग हर सुबह ऐसे होते हैं जिनकी आंख नहीं खुलती, कितने लोग, आप उन 10 लाख में से नहीं हो। तो सेलिब्रेशन का टाइम है, मस्त गाना लगाओ, नाचो 5 मिनट,
कि एक दिन और मिला, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो दिन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, है ना। और वो पता नहीं किसी को वो दिन कौन सा है। सबसे खतरनाक बात यह है, ये नहीं पता कि वो आज वाला है, कल वाला है, परसों वाला है। सुबह हम उठेंगे ही नहीं एक रोज, ना किसी को ये बोल पाएंगे कि मुझे तुमसे नफरत है, ना किसी को ये बोल पाएंगे कि तमें प्रेम करूं छू। और हम सब पोस्टपोन करते जा रहे हैं, कब कहेंगे प्रपोज, कब करेंगे, जिस दिन सिविल जज का रिजल्ट आएगा। क्या पता तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम मिठाई लेकर गए और छोटे छोटे बच्चे दरवाजा खोलकर बोल रहे हैं मामा जी अंदर आ जाइए। कौन जानता है। 2018 में यूपीपीसीएसजे की वैकेंसी लास्ट आई थी, 2023 में आई। समझो वो जो 2018 का बच्चा जिसने रेलवी पास किया होगा और जो सोच रहा होगा सिविल जज बनने के बाद, ये सब बात रखेंगे, अब 23 में रिजल्ट आएगा, भी इंटरव्यू होने हैं, 24 में मिठाई लेकर जाएगा, कितनी पूरी संभावना है कि घर से बच्चा निकल करके कि मामा जी स्वागत है आपका, बोलने भी लग गया होगा बच्चा। तो आज है वो दिन, कब है, आज। खुशी मनाने का दिन आज है, किसी को कुछ बोलने का दिन आज है, नफरत करने का दिन आज है, कल कुछ भी नहीं है। और आज आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस इन्फोर्स नहीं हुआ है, वो कब होगा हमको पता नहीं, तो मजे लो, आज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने तरीके से, नया कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि आप सबके पास ये कंफ्यूजन था और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद, ये एक घंटे का जो डिटेल्ड लेक्चर है, इसके बाद आपकी परेशानी खत्म हो गई होगी कि हाँ भूमिका को दे दो, भूमिका रीड कर लेगी। प्रेम पत्र तो नहीं है मेरे लिए, हाँ मतलब पढ़ सकते ना सबके सामने, मेरे से लंबा है, मेरे से तो छोटा ही होगा। तो अभी जो है आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, मैंने बताया जैसे कि मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा है कि नए लॉज इन्फोर्स हो गए हैं, और मैंने आपको ये बात कही कि नए लॉज इन्फोर्स नहीं हुए हैं। ये कई लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ होने वाला है, तो मैं इसको छोटा सा 30 सेकंड का रील बना के भी डाल दूंगा। कई लोग क्या है, एक घंटे का लेक्चर बोल के ही हटा देते हैं, एक घंटे कौन सुनेगा, है ना। और कई लोग नीचे कमेंट भी लिख देंगे, इतनी देर काहे को बोला आपने। तो छोटा वाला लेक्चर एक 30 सेकंड का मैं रील में भी डाल दूंगा कि नए लॉ इन्फोर्स नहीं हुए हैं। उसमें प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है पता है, फिर लोग कमेंट करने लगेंगे, फिर फलाने जो बोला वो झूठ था क्या, अमित शाह ने क्या पेश कर दिया, ऐसे गालियां भी देने लगेंगे लोग, तो पता नहीं क्या करें, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं दोनों मीडियम से बात रख लूंगा। आज शाम को 5 बजे लाइव आने वाला हूं, वहां भी मैं बात करूंगा ही करूंगा। तो मेरी कोशिश ये है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे, अफवाहों से आप बचें। एक लंबा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, भाई ने कहा 6 फीट का है वो, पढ़िए। क्या नहीं रहा जिसमें विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध दोनों की सहमति से स्थापित होते हैं, हाँ। जो देखी कैटेगरी में नहीं आता, परंतु ऐसा वादा करके विवाह न करना उस महिला से सजा के प्रावधान है, उस महिला की सजा का प्रावधान है। क्या अगर कोई महिला ऐसा वादा करके शादी न कर दिए तो महिला के लिए सजा का प्रावधान है या नहीं? अरे बाप रे, यह होना चाहिए। तो ये तो बड़ी खतरनाक कहानी हो गई। क्वेश्चन ये है कि क्या, एक लाइन में क्वेश्चन ये है, क्या लॉ जेंडर न्यूट्रल हो गया है? दिस इज द क्वेश्चन। और इसका आंसर है नहीं, लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं हुआ है। सेक्शन 69 में वैसे जो वर्ड है, वर्ड सुनिए, लिखा है हूएवर बाय डिसीटफुल मींस और मेकिंग बाय प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन फुलफिलिंग द सेम। यहां शब्द ही जेंडर बायस्ड है। लिखा है महिला से वादा करके वादा भूल जाता है, वादा तेरा वादा, वैसा वाली कहानी। एंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, शब्द ही है, और जो महिला के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता है, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप। लिखा है वो रेप तो नहीं है, कह रहा है नॉट अमाउंटिंग टू द रेप। अब रेप भी दो तरह का हो गया, अमाउंटिंग टू, नॉट अमाउंटिंग टू। पहले सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड दो तरह से था, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब रेप के बारे में हम बात करेंगे, अमाउंटिंग, फिजिकल रिलेशन दो तरह का हो गया, अमाउंटिंग टू रेप, नॉट अमाउंटिंग टू रेप। लिखा है शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 10 साल की सजा हो सकती है आदमी को। और यहां हूएवर में, क्योंकि मैं मेल या मैन शब्द नहीं लिखा, तो मुझे लगता है कि उसमें वो ट्रांसजेंडर भी आएगा, है ना, जिसने उस महिला के साथ कोई ऐसा फिजिकल रिलेशन बनाया है। लॉ अभी भी ये मान के चल रहा है कि महिलाएं इनोसेंट हैं, ऐसा कोई झूठा वादा वो करती नहीं है, इस तरह की कोई भी उनकी आदत नहीं होती है। आपको और हमको भी ये मानकर चलना चाहिए, इनोसेंट होती है महिलाएं, कैसी होती हैं, सारा अपराध करने के लिए पुरुष ही पैदा हुआ है।
मालिक ने उसको फुर्सत से बनाया कि तू अपराध कर, ऐसा लॉ मान के चल रहा है, हम भी ऐसा मान के चलते हैं। अभी समझना, भारत में अभी तक ऐसे वाले इंसिडेंट दिखाई नहीं पड़ रहे। ये बात और है कि अगर आप यूएस जैसे कंट्री की बात करें तो वहां रेप ऑफेंसेस में जो मेजॉरिटी है वो रेप कमिटेड बाय वुमन है। भारत में ऐसी बात अभी तक नहीं है, अभी तक महिलाएं जो अप्रोच नहीं करती हैं, महिलाएं किसी को ये भी नहीं बोलती हैं, अभी तक तो नहीं बोल रही हैं आई लव यू, ये पुरुष को ही अप्रोच, तुम ये सोच रहे हो कि महिला बोलेगी, ऐसा नहीं होता, ये पुरुष को ही अप्रोच करना होता है। और इसीलिए स्टॉकिंग वाले ऑफेंस में लिख दिया था महिला एक बार मना कर दे, महिला पीछा भी नहीं कर रही है किसी का, महिलाएं वॉयरिज्म भी नहीं कर रही हैं, ऐसा कौन मान के चल रहा है, लॉ। तो आप भी ऐसा मान के चलिए, अभी तक ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। ये बात हो रही है कि 5-10 साल में सुप्रीम कोर्ट को इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा और इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। ठीक बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं अभी से जेंडर न्यूट्रल हो जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझना, आपने कभी सीसॉ का गेम देखा है क्या? सीसॉ समझ में आया, एक तरफ बैठते हैं दो तरफ बैठते हैं, ऐसे ऐसे चलता है। या बैलेंस आप देखें, अगर ये बैलेंस है और इस तरफ झुका हुआ है तो इसको बैलेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भार इधर रखना पड़ेगा, फिर इधर रखना पड़ेगा, फिर इधर रखना पड़ेगा, फिर इधर रखना पड़ेगा, फिर इधर रखना पड़ेगा, कभी जाके बैलेंस होगा? अरे ऐसा ही होगा ना कि ऐसा है और हम दोनों तरफ बराबर भार रख दें। हमारी सोच अभी यही है कि हम दोनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने, मतलब बराबर भार रख दें, जबकि हुआ यह है कि लंबे समय तक महिलाओं के साथ जस्टिस नहीं हुआ। 1971 की पहली बार हमारे यहां पर में कमीशन ऑफ वुमेन बना इंडिया में, और इसका रीजन ये था कि 1975 में यूएन वुमेन का जो है एक कॉन्फ्रेंस होने वाला था, और यूएन ने सभी देशों को ये कह दिया था आप अपने यहां पर में सर्वे कीजिए और बताइए कि जेंडर इक्वलिटी और जेंडर जस्टिस में आपके देश में क्या काम हुआ। तो 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाया, द पहला वुमेन कमीशन, और उस कमीशन ने जो यूएन को अपनी रिपोर्ट सौंपी उसमें कहा कि इंडिया एज अ स्टेट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी टू वुमन। गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो कह रही है फेल्ड, असफल हो गया है भारत, और कब सफल होगा, जबकि ये बैलेंस बराबर होगा। इसीलिए एक वन साइडेड है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यकीन मानिए। जब ये बैलेंस ऐसा हो जाएगा तब इंटरप्रिटेशन आएगा, फिर जब ऐसा हो जाएगा तब लॉज आएंगे मेल के फेवर में। आई बात समझ में? मुझे उम्मीद आ गई। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिर क्लास क्लोज करते हैं। हाँ सर, इसी से जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 487 एलएलटी को हटाते हुए कहा कि पत्नी उसकी संपत्ति नहीं है, नहीं क्या नहीं, उक्त प्रावधान में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति जो उससे शादी न करके किसी दूसरे से करना चाहे तो क्या वह जो विवाह नहीं करता उसके लिए संपत्ति नहीं है? क्वेश्चन ये है कि अगर लड़का लड़की आपस में सहमत है और वो आपस में कोई फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो ये अपराध है क्या? इसका आंसर है ये अपराध नहीं है। पहले मैं आपको ये समझा दूं, ना तो लड़की लड़के की प्रॉपर्टी है ना लड़का लड़की की प्रॉपर्टी है, दोनों ही लिव इन में रहें आराम से और शादी न करें, लॉ इसको अपराध नहीं बनाता। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां है जहां लड़के ने झूठ बोलकर, किसी भी कारण से झूठ बोला हो, उसको शादी नहीं करनी थी पहले से, अपना नाम बदल कर बात करी हो, जाति बदल कर, धर्म बदल कर बात किया हो, किसी और तरीके से बहलाया फुसलाया हो, लड़की उसके साथ चली गई, इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बना और बाद में ये मना कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, ये उसके लिए है, ये लड़का लड़की आपसी सहमति में उसके लिए अपराध नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बात ठीक भी है अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें। आप किस नज़र से देख रहे हो पता है? आप उस चश्मे से देख रहे हो कि लड़का लड़की दोनों प्रेम में हैं और दोनों आपस में आगे बढ़े, कहीं इनके बीच में फिजिकल रिलेशन बना, बाद में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाना अलग कहानी है, इंटेंशनली काम करना तो अलग अलग बातें। आप वहां इस बात को ले जा रहे हो कि दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया और लड़की ने कहा मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, ऐसा वाला, या वो कह रही है ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, आप उस नजरिए से देख रहे हो कि लड़के फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया सभी लड़कों के लिए सुझाव यही है कि प्रेम करो, आगे मत बढ़ो, रुको, है ना, प्रेम करो, प्रपोज कर लो, लेकिन रिजल्ट का वेट करो कि जब सिविल जज का रिजल्ट आएगा तब जो है मिठाई लेकर जाऊंगा, शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, और शादी के बाद फिर आगे बढ़ना, जीवन में क्या दिक्कत है, इतनी क्या हड़बड़ी है तुम्हें। लेकिन हाँ, पूरी की तरह पूरा रुके रहना, फिर सोचना कि 5 साल बाद जाऊंगा, वो धोखा हो सकता है, समझना। आप रुकिए ना, डिस्टेंस रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, कहाँ की प्रॉब्लम है भैया। तो ये तो अच्छा है, सभी लड़कों के लिए सुझाव यही है, मेंटेन द डिस्टेंस, रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करिए, है ना, गुलाब का फूल दीजिए, कहीं पब्लिक प्लेस में मीटिंग कीजिए,
हाँ ठीक, आसान सी बातें हैं, इतना आसान है, क्यों प्रॉब्लम है यश? ऐसा करने में कहाँ प्रॉब्लम? मुझे लगता नहीं कहीं से कहीं तक ये खराब बात है। मैं टोटली 200% इस बात के लिए अग्री हूं, और ये लॉ जो है हर एक बॉयज स्कूल में लड़कों को पढ़ाया जाना चाहिए, और टीचर्स को ये बताना चाहिए इन अ सीरियस नोट दैट इफ यू आर प्रपोजिंग समवन, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, मेंटेन अ डिस्टेंस, यू हैव टू। इज दैट क्लियर? आज यहीं रुक रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके कलेजों को ठंडक पड़ी होगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप थोड़े से इंस्पायर्ड वापस से हुए होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लॉ छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। आज यहीं रुकते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, और कल से हम आईपीसी स्टार्ट कर रहे हैं एबीसीडी से वापस। कल 15 अगस्त है, ओ सॉरी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम अपने अपने घरों में झंडा फहराएं, अपने पैसे से नुक्ती बूंदी खरीद के खाएं, सुबह उठ करके लाल किले में झंडा फहराना देखें, वहां जब जनगणमन हो तो नहा धोकर बैठें, उसके साथ सावधान होकर जनगणमन गाएं। ऐसा समझें कि आप दिल्ली में हैं और आपके सामने ही झंडा फहर रहा है। ये मत करना कि सो के उठ रहे हैं, रजाई से सिर निकाल करके देख रहे हैं जनगणमन, और कोई नहीं देख रहा तो हम बिस्तर से उठ भी नहीं रहे हैं। डोंट डू दिस। राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होइए, तिरंगा हाथ में लीजिए, गर्व का अनुभव कीजिए जब वहां पर में राष्ट्रगान चल रहा होता है, और अगर आपके शरीर में क्या कहना चाहिए उससे हर्ष की लहर, खुशी की लहर नहीं बढ़ जाती, आपकी आंखों की कोर भीग नहीं जाती, तो आप क्या ही भारतीय हैं, है ना? तो आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, दिल धड़कने लगना चाहिए कि वाह, इस महान देश में आप पैदा हुए हो जहां पर में कि पुराने लॉज ऐसे बदल दिए जाते हैं। आज यहीं रुक रहे हैं, बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको डे आफ्टर टुमारो लूंगा, और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय। बहुत सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।